हे माय लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, ये वाला जो लुक है ना, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया था, हालांकि मैंने इसका पूरा ट्यूटोरियल शेयर नहीं किया था। तो एक मेरी प्यारी से सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि दी ये लुक आप शेयर करो, तो हेयर आई एम। आप लोग कुछ भी बोलो, मैं ज़रूर उसको पूरा करूँगी। तो चलिए मेकअप की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आईब्रोज़ को फिल कर लिया था और आईलिड को भी प्रेप कर लिया था। यहाँ पर मैं पाउडर से सेट कर रही हूँ अपने इंटायर आईलेट को। फिर मैंने यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का आई पैलेट लिया हुआ है, उसमें से मैं ये ट्रांजिशन कलर पिक कर रही हूँ और मेरे ट्रांजिशन एरिया पर लगा रही हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा कलर लेकर ब्लेंड कर रही हूँ जब तक मुझे अपना डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। और साथ ही साथ मैं दोनों आईज़ पे करती जा रही हूँ ताकि जो भी कम हो ज़्यादा हो मुझे पता हो सके, तो इसलिए मैं दोनों आईज़ को लेके चलती हूँ। सेम पैलेट से मैं ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और सिर्फ मैं इसको अपने आउटर वी पे लगा रही हूँ। आउटर वी पर फोकस करते हुए मैं लगा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा कलर को मैं अंदर ले जा रही हूँ। फिर मैं सेम ट्रांजिशन कलर को ले रही हूँ और ट्रांजिशन कलर को लिया था और मैंने थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर भी लिया था और उसको मैं एकदम सेंटर पर लगा रही हूँ। पहले तो डैब डैब कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद मैं हल्का हल्का ब्लेंड करूँगी, यानी सिर्फ मैं अभी कलर को डिपॉजिट कर रही हूँ। उसके बाद मैं, आप देख सकते हो, अभी ब्लेंड कर रही हूँ। और आपको जो भी कलर लगे कि थोड़ा कम हो गया है तो आप और कलर ले सकते हो। फिर उसके बाद मैंने वाइट कलर लिया और इसको मैंने अपने 1/3 आई पर लगाया है, तो ताकि एक अच्छा सा डार्क से लाइट कलर इस टाइप से आए। सो इसलिए, और जो इनर पार्ट है ना वो थोड़ा हाइलाइटेड दिखे, तो इससे ये जो आई मेकअप है ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने एकदम क्लीन ब्रश लिया और थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया, जो भी एजेस था उसको मैंने ब्लेंड कर दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने लाइनर के लिए NYB का लाइनर लिया है और ये लाइनर एकदम इंटेंस ब्लैक है, तो अच्छा लाइनर है ये। फिर उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा अपना लैशेस लगा लिया था और ये लैशेस अभी बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम नेचुरल लगता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइमर लगा रही हूँ जो कि है इनसाइड का प्राइमर, और ये प्राइमर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिलिकॉन बेस ये प्राइमर है। तो मैं अपने टी जोन एरिया पर ही प्राइमर लगा रही हूँ, आप इंटायर फेस में भी लगा सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे पर्पल का फाउंडेशन ले रही हूँ और शेड मुझे याद नहीं है, तो जो भी प्रोडक्ट का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये जो फाउंडेशन है थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन टोन से, तो खैर कॉन्टोरिंग वगैरह करने के बाद में वो ठीक हो जाता है। और ऐसे भी फाउंडेशन आपको एक शेड लाइट लेना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या है ना, फाउंडेशन क्या ऑक्सीडाइज होता ही है। तो आप देखिएगा, अभी मैं लगा रही हूँ, उसके बाद कुछ ही देर बाद में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सभी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब मैक्सिमम फाउंडेशन तो ऑक्सीडाइज होते ही हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट शेड लेती हूँ। एकदम लाइट भी नहीं लेना है, थोड़ा सा लाइट लेना है, तो उससे क्या है कि ऑक्सीडाइज होने के बाद में वो सेटल डाउन हो जाएगा और आप कॉन्टोरिंग वगैरह अच्छे से करोगे तो वो तो फिर और ही ठीक हो जाएगा। तो साथ ही साथ मैं नेक में भी लगा रही हूँ और ये फाउंडेशन भी अच्छा कवरेज आपको प्रोवाइड करता है, क्रीम बेस ये फाउंडेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फाउंडेशन। सो मैं कॉन्टोरिंग, हाईलाइट और ब्लश एक ही साथ में करूँगी। उस वीडियो में मैंने ऐसा ही किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर विज़िट करिए, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा।
जैसे मैंने कॉन्टोरिंग करा था वैसे ही मैं कर रही हूँ अभी। और गाइज ये वीडियो है ना मैं फिर से शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में उतना स्पेस नहीं होता है। तो क्या होता है कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करती हूँ सब कुछ डिलीट कर देती हूँ, तो ये वाला भी जो ट्यूटोरियल था मैंने डिलीट कर दिया था। और फिर उस सब्सक्राइबर ने कहा कि दी आप ये वीडियो मतलब पूरा ट्यूटोरियल शेयर करो, तो इसलिए मुझे फिर से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। फिर उसके बाद अभी मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ, हाइलाइटिंग मैंने कर लिया है। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि जो जो सबसे डार्क शेड है, जैसे कि कॉन्टोरिंग सबसे डार्क शेड है, तो सबसे पहले मैं कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करूँगी। तो इस तरह का जो होता है ना, मतलब जो हम लोग कॉन्टोरिंग ब्लश हाइलाइट एक साथ लगाते हैं, तो उसमें जो सबसे डार्क शेड है उसको पहले आपको ब्लेंड करना, और सबसे लास्ट में जो सबसे लाइट शेड है जैसे कि कंसील है फिर उसको ब्लेंड करना है। जिस शेप में ये कॉन्टोरिंग हुआ है मैं उसी शेप में कर रही हूँ। और मैं बीच बीच में भूल गई थी कि मुझे कहाँ कहाँ हाइलाइटिंग करना है, फिर मुझे याद आया तो मैं कर रही हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी मैंने फोरहेड में अपना करा, तो होता है गाइस भूल जाती हूँ मैं अक्सर। फिर अभी मैं अपने ब्लश को ब्लेंड कर रही हूँ और फिर देखिए आप लोग क्या क्या मैं करती हूँ। पाउडर के लिए मैं यहाँ पर मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ, और ये ट्रांसलूसेंट पाउडर अच्छा है, कम बजट में ये पाउडर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ भी मैंने हाईलाइट करा था वहाँ वहाँ मैं पाउडर से सेट कर रही हूँ, और जहाँ पर कॉन्टोरिंग और ब्लश मैंने करा था वहाँ पर मैं स्लाइटली एकदम पाउडर लगाऊंगी, वैसा नहीं लगाऊंगी, बेकिंग नहीं करूंगी। फिर मैं अभी सारा डस्ट ऑफ कर रही हूँ, ज़्यादा देर मैंने नहीं रखा, लगाकर तुरंत मैंने डस्ट ऑफ कर दिया था। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर ले रही हूँ, और इसका जो मतलब टिंट है ना वो थोड़ा पिंक टाइप में है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और मैंने ये नहीं लगाया था, ब्लश और पाउडर कॉन्टोर मैंने नहीं करा था क्योंकि वैसे ही वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं करा। और फिर अभी मैं अपना लोअर लैश लाइन पर काजल लगा रही हूँ, और सेम स्टेप जो जो कलर मैंने ऊपर लिया था सेम वही स्टेप कलर मैं ले रही हूँ नीचे भी, ताकि ऊपर नीचे बैलेंस हो सके, इसलिए। फिर अगेन मैं सेम हाइलाइटर ले रही हूँ और इसको मैं अपने ब्राउ बोन पर लगा रही हूँ। आई मेकअप में ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, आई मेकअप इससे बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होके दिखता है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और इनर कॉर्नर को भी नहीं छोड़ना चाहिए, इनर कॉर्नर में भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर लेके जा रही हूँ ताकि और ब्यूटीफुल लगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लैक्मे का शायद मस्कारा लिया हुआ है, और मैं अच्छे से कोट कर रही हूँ अपर और लोअर लैशेस दोनों पर। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की लिपस्टिक ले रही हूँ, और ये जो शेड है ना थोड़ा पर्पल ब्राउन टाइप में ये शेड है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, मुझे इस टाइप का जो कलर है ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसका जो शेड है मुझे पता नहीं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो मेक श्योर आप चेकआउट कर लीजिएगा। बस ये है लास्ट स्टेप, और यहाँ हम लोग का मेकअप लुक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये लुक अच्छा लग रहा होगा। और गाइज आपको कुछ भी पूछना हो या फिर कोई भी मेकअप लुक आपको करवाना हो तो आप मतलब बोल सकते हो मुझे कमेंट में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस लुक को क्रिएट करने की। आई होप गाइज आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा गाइज देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय बाय गाइज, लव यू मच।